जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 वर्ष पूरा होने पर सिख समुदाय ने कैंडल मार्च निकाला। आज से 100 साल पहले 13 अप्रैल को 1919 में अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में प्रार्थना के लिए एकत्रित हुए सभी धर्मों के लोगों पर जनरल डायर ने सैन्य दल द्वारा निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर हजारों बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। आज उसी की याद में और जलियांवाला बाग कांड के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सिख समुदाय द्वारा चेतना चौराहे से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें नगर विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल, मेयर सीताराम जायसवाल, पूर्व मेयर सत्या पांडे, भाजपा महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव सहित सिख समुदाय के लोगों ने शास्त्री चौक पर पहुंचकर कैंडल मार्च जलाकर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सिख समुदाय के जगनैन सिंह नीटू और बीजेपी के महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने बताया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे। बताइएगा भारत माता की। आज जैसे कि आपको बताया कि आज 13 अप्रैल 2019 है, आज से ठीक 100 वर्ष पूर्व 13 अप्रैल 1919 में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और आज के दिन पंजाब के अमृतसर में वैसाखी का दिन था, लोग एक ग्राउंड में वैसाखी मना रहे थे और सत्याग्रही शांतमयी तरीके से सत्याग्रह करते हुए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, एक सभा हो रही थी। उसी समय ब्रिटिश का जो जनरल डायर वो आता है और निर्दोष 1300 लोगों को वो गोलियों से भुनवा देता है। 1300 लोग उस समय जलियांवाला बाग कांड में एक साथ मारे जाते हैं। आज वो एक ऐसी भारत में घटना थी जिसने पूरे भारत के अंदर देश प्रेम की आग लगा दी। इस घटना से लोग इतने आक्रोशित हुए पूरे देश में कि हर बच्चा राष्ट्र प्रेमी हो गया, हर नागरिक राष्ट्र प्रेमी हो गया और एक ऐसा उबाल उठा जिसके बाद घर घर से क्रांतिकारी निकले और ब्रिटिश हुकूमत को इस देश को छोड़ कर जाना पड़ा। आज 100वां वर्ष है उस महान घटना का, ऐतिहासिक घटना का। आज 2019 से ठीक 100 वर्ष पूर्व हुआ था। आज 100वें वर्ष पे उन शहीदों को हमने यहाँ पे नमन कार्यक्रम किया है। सर्व समाज ने मिलकर सिख समाज के साथ हम नमन करते हैं ऐसे महान सपूतों को। हम वाहेगुरु से, परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं ऐसे 1300 सपूत हर घर में पैदा हों और हमारा राष्ट्र प्रेम मजबूत हो, मेरे भारत को खंडित करने वाली ताकतों का विनाश हो। मेरा भारत दुनिया का सोने की चिड़िया था, दुनिया का सिरमौर था, अब भी सोने की चिड़िया बने, पूरी दुनिया का हमारा देश सबसे महान देश है, रहेगा और हमेशा रहेगा। इन सपूतों के बदौलत जब तक देश में ऐसे सपूत, शहीद सपूत पैदा होते रहेंगे, भारत का कोई नस्त्र कोई नुकसान नहीं कर सकता है। मैं सत सत नमन करता हूं ऐसे शहीदों को और कल जब हम गुरुद्वारा जटाशंकर में वैसाखी का गुरुपुरब मनाएंगे सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक, उस समय भी हजारों की संख्या में लोग वहाँ होंगे। हम लोग वहाँ भी जलियांवाले बाग कांड के शहीदों को नमन करेंगे, उनके लिए अरदास करेंगे, वाहेगुरु से प्रार्थना करेंगे कि हे वाहेगुरु, हे परमात्मा, ऐसे देशवासी, ऐसी रूहें हमारे देश को घर घर में दे और हमारा देश अखंड राष्ट्र बनकर दुनिया में सबको अपने मार्गदर्शन पर लेकर एक अच्छे संसार की रचना, अच्छे संसार का नेतृत्व कर सके हमारा भारत, इसी का कामना के साथ शहीदों को सत सत नमन है। अंग्रेजी हुकूमत के समय जनरल डायर ने जलियांवाला बाग कांड जो कि जिसमें 1300 निर्दोष नागरिकों की सरेआम हत्या कर दी गई थी, उसमें वो शहीद हुए थे। अमृतसर में 799 उसमें केवल सिख समाज के हमारे भाई उसमें शहीद हुए थे। आज उसका शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं।
उस निमित्त आज हमारे सिख समाज के भाइयों जगनैन सिंह नीटू जी और उनके समक्ष सभी हमारे सिख समाज के लोग के साथ साथ स्थानीय नागरिक के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ आज चेतना तिराहा से एक कैंडल मार्च निकाल करके और यहाँ पर आकर शहीदों के नमन के लिए उन्हें याद करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे आज एक कैंडल जलाया है। और वह समाज जो अपने पूर्वजों को याद करता है निश्चित तौर पे उस समाज की अपनी प्रासंगिकता होती है। आज के अवसर पे 100 वर्ष पूर्ण होने पे मैं उन शहीदों को जिनके नाते आज भारत स्वतंत्र हुआ और आज़ाद स्वतंत्रता के इतिहास में यह आज़ाद भारत में हम चैन की सांस लेते हैं ये उन्हीं शहीदों के बल पे है। मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से उस ऐसे शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके चरणों में चंदन वंदन करता हूँ।